राम वनगमन पर्यटन परिपथ मुख्यमंत्री ने किया भगवान राम लक्ष्मण और माता सबरी की प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ रुपए के प्रस्तावित कार्यों के प्रारूप का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मेला मैदान में भगवान राम लक्ष्मण और माता सबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, विधायक मोहन मरकाम जी, श्री चंदन यादव, चंद्रदेव राय, संसदीय सचिव उपस्थित थे। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के महत्वपूर्ण पड़ाव और महानदी शिवनाथ नदी और जोग नदी के संगम पर स्थित शिवरी नारायण में राम की थीम के अनुरूप विभिन्न विकास कार्य आकार ले रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से महानदी मोड़ पर 44 फीट ऊंचा विशाल प्रवेश द्वार और इसके समीप 32 फीट ऊंची भगवान राम सहित लक्ष्मण माता सबरी की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। शिवरी नारायण में माता सबरी की भक्ति एवं वात्सल्य के प्रतीक जूठे बेर खिलाने के प्रसंग को उद्धारित करते हुए नदी तट घाट एरिया का सुंदरीकरण के अंतर्गत 14 व्यू पॉइंट का निर्माण, आरती पूजन जन सुविधा के रूप में फ्रूट प्लाजा, मेला ग्राउंड के पास कैफेटेरिया, पर्यटन सूचना केंद्र, पार्किंग एरिया का निर्माण, 3D मॉडल वॉक थ्रू के पास प्रस्तावित प्रारूप का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भगवान केवल आस्था ही नहीं बल्कि भांजे के रूप में कोरिया से लेकर सुकमा तक लगभग 1440 किलोमीटर के पथ में 75 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। इनमें से प्रथम चरण में 9 स्थलों के विकास का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। इनमें सीतामणि, हरचौक, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और रामाराम सुकमा भी शामिल है। में सेवा की भाव नहीं है, वो तो धर्म के आड़ में वोट लेना चाहते हैं। हम लोगों ने गौ माता की सेवा करने के लिए हर गाँव में गौठान बनाने का निर्णय किया है, जो लगभग 3000 से अधिक गौठान हमारे बन चुके हैं। इस साल हम लोग कोशिश करेंगे हर एक पंचायत में बन जाए और आने वाले समय में हर गांव में गौठान का निर्माण हो और सभी जगह गोबर खरीदी की व्यवस्था हो। पत्रकार सुरक्षा कानून कब लाया जाएगा? वो पत्रकारों भाई दिल्ली गए हैं, अभी कब होगा न्याय बता दीजिए। अभी लगातार पत्रकारों पर भद्रता व्यवहार हो रहा है सर, दुर्व्यवहार के बारे में कुछ? देखिए, जहाँ पत्रकारों की सुरक्षा देने के लिए ही कानून बनाया जा रहा है और उसमें आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। जितने जल्दी आप लोग सुझाव देंगे उतने जल्दी उसको एक साथ संकलित करके फिर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, धर्म है वो व्यक्ति का है, हर व्यक्ति को अपने धर्म स्वीकार करने का अधिकार है और इसके आड़ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, शिवरी नारायण में रात को रेत उत्खनन हो रहा है, खनिज विभाग के अधिकारी को फोन लगाते हैं, फोन नहीं उठाते वो हमारा। अच्छा, मैं बोल दूंगा उनको फोन उठाए, आपका नाम बता दीजिए। धन्यवाद।